चलिए, तो आज देखते हैं कैसे आप रहमानी 30 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये रहमानी 30 की वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक। ये लिंक आपको ऊपर मिल रहा है। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, वन बाय वन एंट्रीज़ आपको फिल करनी है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, लाइक आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इस टाइप का कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप 7th, 8th and 9th क्लास के मार्कशीट अपने साथ रखें, उसका फ़ोटो क्लिक करके आपको इसके ऊपर अपलोड करना होगा। ईमेल आईडी रेडी रखें अपनी, और स्कूल कोड, ये सब चीज़ें आप स्कूल कोड आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने साथ रेडी रखें, देन उसके बाद आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सबको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। लास्ट डेट 22 जनवरी है, इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म को आप एक ही बार फिल कर सकते हैं, एडिट ऑप्शन अवेलेबल है तो उससे आप बार बार एडिट कर सकते हैं, दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। फॉर्म भरने से पहले आप एक गवर्नमेंट आईडी, जैसे आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो, इस टाइप की कुछ गवर्नमेंट आईडी आप अपने साथ लेकर बैठें, और स्कूल का आपको स्कूल नंबर भी पता होना चाहिए, स्कूल कोड। सबसे पहले स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, पहला पॉइंट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे ये गवर्नमेंट आईडी के बारे में पूछ रहा है। पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड फिल कर दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो, और अगर ये दोनों नहीं है तो अदर गवर्नमेंट आईडी पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल आपके पास आधार कार्ड है तो आप इसमें लिखेंगे आधार। इसमें आधार लिखने के बाद आधार का नंबर, जो भी आपका एक्स वाई जेड आधार नंबर है, वो अपना आधार नंबर आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका स्टूडेंट फर्स्ट नेम, आपको अपना पूरा नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है सलमान खान, तो फर्स्ट नेम में आपका आएगा सलमान, मिडिल नेम में या लास्ट नेम में आप लिख सकते हैं खान। अगर आपके नाम में मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर एन क्लिक कीजिए, ये एन ओ एम एन, इसको सेलेक्ट कीजिए। इसका मतलब है नो मिडिल नेम, बस आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करके अपना नेम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जेंडर मेल या फीमेल, जो भी जेंडर है आप क्लिक कर दीजिए। देन आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए इसमें अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जांपल 12 जनवरी 2000 है तो इसको सेट कर दीजिए 12 जनवरी 2000 पर। देन आफ्टर दैट योर प्राइमरी फ़ोन नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फीड कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेट नंबर, इसमें आप किसी का, मम्मी पापा का, किसी का भी नंबर, अपने रिलेटिव का नंबर दे सकते हैं। और यहाँ नंबर डालने के बाद आपको भरनी है उसमें ईमेल आईडी। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी फिल कीजिएगा, क्योंकि आपसे कांटेक्ट करने के लिए ये ईमेल आईडी यूज़ होगी बार बार। आर यू एन एन आर आई नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगर आप हैं या आपके फादर हैं तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना, जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए इन दोनों ऑप्शंस में नो आपको क्लिक करना। कोई मेडिकल कंडीशन अगर आपके पास कोई भी हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं येस या नो क्लिक करके। तो इसमें भी ज़्यादातर बच्चों का नो ही आएगा, आप सबको नो फिल करना है इसके अंदर। एड्रेस जिस पर आपको कांटेक्ट कर सकें, वो कोई मेल आपको भेजना हो, कोई पोस्ट आपको भेजनी हो तो आपको जिस एड्रेस पर आप वो पोस्ट मंगाना चाहते हैं, अपने घर का एड्रेस आप इसमें डाल सकते हैं। पोस्टल कोड में आप अपने घर का कोड डाल दीजिए, अपने सिटी का पोस्टल कोड, जैसे बिजनौर के लिए 246701, स्टेट आप यूपी सेलेक्ट कर सकते हैं, सबसे नीचे मिलेगी आप उत्तर प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में आप बिजनौर, देन सिटी, अगर बिजनौर के रहने वाले तो सिटी भी बिजनौर हो जाएगी। पोस्टल ऑफिस, ये भी बिजनौर। स्ट्रीट, जो स्ट्रीट का नाम है आप अपनी स्ट्रीट का नाम इसमें फिल कर सकते हैं। जिनके ऊपर ये स्टार बना हुआ है, ये सारी एंट्रीज आपको करनी मस्ट है।
डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर येस भरिए, नहीं है तो नो भर दीजिएगा। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो नो भर सकते हैं। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपने एकेडमिक के बारे में बताना है, मार्क्स आपके कितने कितने हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टेंथ बोर्ड, तो टेंथ बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है इसमें बहुत सारे बोर्ड के नाम लिखे हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे CBSE वाले होंगे तो CBSE बोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो CBSE वाले हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें आप लिख दीजिए इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको हिंदी लिखना है। मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ क्लास में आपके कितनी परसेंटेज रही वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप 70-80% के बीच में आपके आए हैं सेवन्थ क्लास में, तो 70-80 रख लीजिए। एट्थ क्लास में मान लीजिए 81-90 है, नाइन्थ क्लास में 81-90 है, तो ये आप परसेंटेज ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एट्थ और नाइन्थ क्लास की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है, उसका फ़ोटो क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, कैमरा बना हुआ रहा है, इससे फ़ोटो क्लिक कीजिएगा। कैमरे पर क्लिक करने के बाद देन कैमरा खुल जाएगा, इसके बाद आप क्लिक करके भेज सकते हैं फ़ोटो। इसके बाद आती है स्कूल की इन्फॉर्मेशन, तो स्कूल का कोड, आपका जो भी स्कूल कोड हो, स्कूल में किसी टीचर से आप मालूम कर सकते हैं, वो स्कूल कोड या एफिलिएशन नंबर है। CBSE स्कूल्स के लिए एफिलिएशन नंबर आप इसमें फिल कर सकते हैं। आपके स्कूल डायरी या फीस कार्ड वगैरह पर भी लिखा हुआ होता है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्कूल का नाम आप इसमें पूरा फिल कीजिए, उसके बाद आफ्टर दैट पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी, एड्रेस, ये पूरा सब चीज़ें फिल करने के बाद योर फेवरेट टीचर नेम, जो भी आपके फेवरेट टीचर का नाम है वो आप फिल कीजिए, टीचर का मोबाइल नंबर और टीचर की ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, लेकिन मोबाइल नंबर आप सबके पास होगा अपने फेवरेट टीचर का, तो आप ये दो ऑप्शन फिल कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या आपने किसी नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ओलंपियाड वगैरह में? अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो। एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपी में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप यूपी सेलेक्ट करने के बाद बिजनौर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वहाँ पर एक एग्ज़ाम सेंटर है रहीमिया पब्लिक स्कूल के नाम से, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी, उर्दू मीडियम वाले उर्दू। विच आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट डू यू हैव, आप एग्ज़ाम देने जब आएंगे तो आपको एक अपने साथ आई कार्ड अपना लेकर आना पड़ेगा, तो उसके लिए आप आधार कार्ड ला सकते हैं, पैन कार्ड ला सकते हैं, पासपोर्ट ला सकते हैं, स्कूल का आई कार्ड आईडी लेकर आ सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इन पर मार्क लगा सकते हैं जो जो आपके पास हैं। कोर्स प्रिफ्रेंस, दो तीन फोर कोर्सेज हैं इसके अंदर अवेलेबल, नीट, JEE, इसमें कॉमर्स वालों के लिए CA लॉ वगैरह एंड NDA। इसमें से जिस कोर्स को आप प्रीफर करना चाहें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट ऑप्शन में फिल करें, सेकंड प्रेफरेंस सेकंड ऑप्शन में। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन है, फादर नेम, फादर टाइटल, तो इसमें मिस्टर, जनाब, लेट, जो भी आप लगाते हैं वो टाइटल लगा दीजिए यहाँ पर, नेम, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। ऐसे ही मदर का नेम आपको फिल करना है, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। नंबर ऑफ ब्रदर्स, कितने भाई बहन हैं आप, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ सिस्टर्स, कितने सिस्टर्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको ये आई एग्री द कंटेंट अबव पर टिक करना है, ठीक, ये ब्लू टिक बना हुआ आ जाएगा यहाँ पर। आफ्टर दैट आपको ये सेव कर देना सब। सारी एंट्रीज फिल करने के बाद आप या तो सेव कर सकते हैं अगर आप बाद में एडिट करना चाहते हैं, अदरवाइज आप ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर क्लिक कर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है तो आप सेव बटन पर क्लिक करके बाद में उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं।